तो आज हम लोग बताएंगे जो यामा R15 V5 फाइनल कैसे इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर लॉन्च होने जा रहा है, तो कैसे कब तक लॉन्च होगा वो भी हम लोग बताएंगे। साथ में बताएंगे ये बाइक के अंदर क्या फीचर्स, प्राइस, लॉन्च डेट सारे कुछ कवर करेंगे ये वीडियो के अंदर। और अभी हम लोग बताएंगे जो R15 V5 है ना गाइस, फाइनली यामा ने बहुत ज्यादा अपडेट भी कर देगा, क्योंकि V5 के अंदर बहुत कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन भी देखने मिलेगा V4 से भी ज्यादा। और मैं गाइस यूज करता हूँ R15 M यूज करता हूँ, M और V4 गाइस सेम ही इंजन है और सेम क्वालिटी है, बट ये जो बाइक के अंदर गाइस उससे भी ज्यादा पावरफुल देख सकते हो। R15 V5 के अंदर इंजन के क्वालिटी भाई सेम टू सेम 155 cc का इंजन देख सकते हो, बट BHP इंक्रीज होगा, टॉप स्पीड इंक्रीज होगा, सारे कुछ यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या क्या इंक्रीज होगा R15 V5 के अंदर वो भी हम लोग बताएंगे, और साथ में बताएंगे क्या फीचर्स, प्राइस, माइलेज, टॉप स्पीड सारे कुछ कवर करेंगे ये वीडियो के अंदर। अभी तक वीडियो के अंदर लाइक नहीं करो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल के अंदर नया हो तो ऑब्वियसली चैनल को भी सब्सक्राइब करो। सो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बताएंगे लुकिंग के अंदर चेंजेस देख सकते हो R15 V5 के अंदर, लुकिंग कैसा लग रहा है वो भी एक बार प्लीज कमेंट करके बता देना। अभी हम लोग बताएंगे बाइक के अंदर प्राइस के अंदर क्या फर्क देख सकते हो, ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, 5 से 10,000 के अंदर फर्क देख सकते हो, सिर्फ 5 से 10,000 के अंदर फर्क देखने को मिलेगा। 10,000 किसकी वजह से लाएगा, थोड़ा सा इंजन का पावर यहाँ पे इंक्रीज करेगा। पहले का क्या होता है 18.4 BHP कंपनी दिया, और अभी तो तुमको 19.5 BHP मतलब 1.5 BHP गाइस यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, कंपनी ने अपडेट कर रहा है। तो सारे लोग यार कमेंट करके बता देना अपडेट होने के बाद गाइस टॉप स्पीड इंक्रीज ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, टॉप स्पीड 140 से 150 तक ही जाएगा, बट इसका जो इनिशियल पिकअप है ना पहले से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा ये बाइक के अंदर। लाइटिंग सिस्टम को लेकर बताएंगे तो सामने यहाँ पे LED हेडलाइट प्रोजेक्टर लैंप देख सकते हो, साइड इंडिकेटर LED देखने को मिलेगा, और पीछे का टेल लाइट भी LED, मतलब बाइक का जो क्वालिटी है ना बहुत बढ़िया क्वालिटी। और ये जो R15 V5 के अंदर क्या कुछ मीटर कैपेसिटी देख सकते हो, मीटर कैपेसिटी को लेकर बताएंगे तो R15 M के अंदर जो मीटर कैपेसिटी यूज करेगा सेम टू सेम वही वाला मीटर कैपेसिटी यूज करेगा। मीटर कैपेसिटी भाई मैं यूज करता हूँ R15 M और मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आता है मीटर कैपेसिटी, तो आप लोगों को कैसा लगा वो भी यार कमेंट करके बता देना। बाइक का माइलेज को लेकर बताएंगे तो भाई अगर आप नॉर्मल चलाओगे तो 40 से 45 तक देगा, अगर आप रैश ड्राइव करोगे तो आपका 30 से 35 तक देगा, ये चलाने को डिपेंड करेगा। जैसे मेरा तो भाई 34 35 36 देता है, उसके ऊपर नहीं जाता क्योंकि मैं रैश ड्राइव करता हूँ हर टाइम इसलिए। और बाइक का टायर साइज को लेकर बताएंगे तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, सामने का टायर मतलब 100x80x70 देखने को मिलेगा, और रियर टायर 140x70x70 देखने को मिलेगा, मतलब बाइक का जो टायर साइज है ना सही कंपनी दे दिया। और ये बाइक के अंदर कंपनी यूज करेगा MRF का टायर, टायर का जो कंपनी है ना एकदम A1 क्वालिटी, और मेरे को टायर बहुत ज्यादा पसंद आया है, तो आप लोग कैसा लगा वो भी यार कमेंट करके बता देना। इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स को लेकर बताएंगे तो यहाँ पे कंपनी यूज किया क्विक शिफ्ट ट्रैक्शन कंट्रोल, और इस बार यामा ने ऐसे कुछ अपडेट दे दिया जो हम लोग सिर्फ 155 cc का बाइक के अंदर भी क्रूज कंट्रोल देना एक्सपेक्ट करूंगा, क्योंकि दुनिया के अंदर पहला कोई बाइक है जो बाइक के अंदर कंपनी दे दिया 150 cc के अंदर, सिर्फ 155 cc के अंदर क्विक शिफ्ट ट्रैक्शन कंट्रोल दे दिया, कोई भी बाइक अभी तक नहीं दे पाया, सिर्फ यामा ने ये करके दिखाया। और यामा ने ये भी करके दिखाएगा 2024 के अंदर जो क्रूज कंट्रोल भी देना एक्सपेक्ट कर देगा, इसलिए कंपनी सिर्फ 5 से 10,000 इंक्रीज करेगा प्राइस, ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज नहीं करेगा। तो अब सारे लोग यार कमेंट करके बता देना यामा की बाइक आपको कैसे लगता है, भाई मैं यूज करता हूँ मेरे को तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप लोग कैसे लगता है वो भी यार कमेंट करके बता देना। और बाइक का सस्पेंशन को लेकर बताएंगे तो सामने मतलब फ्रंट यहाँ पे USD सस्पेंशन मतलब अपसाइड डाउन सस्पेंशन देख सकते हो, और रियर पे मोनोशॉक देखने मिलेगा, मतलब सस्पेंशन का जो क्वालिटी है ना बहुत अच्छा क्वालिटी है साफ देखने मिलेगा। लॉन्च डेट को लेकर बताएंगे तो 2024 सितंबर मंथ के अंदर लॉन्च करेगा यामा R15 V5। लॉन्च हो जाएगा तो कौन कौन बाइक हो रहेगा OVR कमेंट करके बता देना। सो गाइस चलिए आज का वीडियो इतना ही, एंड टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।